हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका चटपटे चुटकुले में। तो आइए शुरू करते हैं चटपटे मस्ती भरे चुटकुले। समानताएं: एक, घड़ी 24 घंटे टिक टिक करती रहती है और पत्नी 24 घंटे किट किट करती रहती है। दूसरा, घड़ी के कांटे घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं और उसी प्रकार पत्नी को आप जितनी मर्जी समझाएं वो भी घूम फिर कर वहीं आ जाती है और अपनी बात मनवा लेती है। तीसरा, घड़ी बिगड़ जाए तो मैकेनिक के यहाँ जाती है और पत्नी बिगड़ जाए तो मायके चली जाती है। चौथा, घड़ी को चलाने के लिए बैटरी का प्रयोग होता है और पत्नी को चलाने के लिए अपनी तनख्वाह का प्रयोग करते हैं। विषमताएं: घड़ी में जब 12 बजते हैं तो तीनों कांटे एक दिखाई देते हैं, लेकिन पत्नी के जब 12 बजते हैं तो एक पत्नी भी तीन तीन दिखाई देती है। दूसरा, घड़ी के अलार्म बजने का समय फिक्स होता है, लेकिन पत्नी के अलार्म बजने का कोई भी समय फिक्स नहीं होता। तीसरा, घड़ी बिगड़ जाए तो रुक जाती है, लेकिन अगर पत्नी बिगड़ जाए तो शुरू हो जाती है। चौथा, सबसे बड़ा अंतर यह है कि घड़ी को आप जब चाहें बदल सकते हैं, लेकिन पत्नी को चाहकर भी नहीं बदल सकते। पुलिस वाला गली में झगड़ रहे पति पत्नी को थाने ले आया। पति इंस्पेक्टर से, श्रीमान, यह सिपाही हम पति पत्नी को यूं ही पकड़ लाया है, हम तो गली में खड़े साधारण सी बात पर झगड़ रहे थे। इंस्पेक्टर, परंतु आप लोग घर में झगड़ने के बजाय गली में क्यों झगड़ रहे थे? पत्नी गुस्से में, तो आपका मतलब है कि हम अपने घर का फर्नीचर तोड़ डालते? बनता, इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। प्रीतो, तो जाऊं मैं? बनता, ना, बिल्कुल ना। प्रीतो, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? बनता, हाँ, पहले भी करता था, करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। प्रीतो, क्या तुम कभी मेरे साथ धोखा करोगे? बनता, ना, इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं मर ही जाऊँ। प्रीतो, क्या तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे? बनता, हमेशा। प्रीतो, प्रीतो, क्या तुम मुझे कभी मारोगे? बनता, ना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। प्रीतो, मैं क्या तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? बनता, हाँ। प्रीतो, ओ हो डार्लिंग, शादी के बाद कृपया इस मैसेज को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ें। बीवियों के मायके रहने जाने का चलन साल में 3 बार होना चाहिए। इसके कुछ फायदे इस प्रकार है: इससे पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। दूसरा, तलाक के मामले कम हो जाएंगे। तीसरा, मायके में भी बीवियों को अपना भाव पता चल जाएगा। चौथा, पति की कद्र बढ़ेगी। पांचवा, बार बार मायके की धमकी कम होगी। छठा, दामाद के प्रति सहानुभूति बढ़ेगी। डॉक्टर, मुझे स्वर्ग जाने दो, मैंने धरती पर बहुतों का इलाज किया है। चौकीदार, चलो नर्क जाओ, वहीं सबका इलाज करना। वकील, मुझे स्वर्ग जाने दो, मैंने लोगों का इंसाफ किया है। चौकीदार, जाकर नर्क में झगड़ों को निपटारा करो। एक आदमी, भाई मैं शादी शुदा हूँ, जहाँ कहोगे रह लूंगा। चौकीदार आंसू पोंछते हुए, पगले, रुलाएगा क्या? चल जा स्वर्ग में, कुछ दिन चैन से रह। एक औरत का पति काफी समय से कोमा में था। उसे कभी होश आता और कभी वो कोमा में चला जाता, पर वो औरत हमेशा अपने पति के साथ ही रहती, कभी भी उसे नहीं छोड़ा। एक दिन आदमी को होश आया और उसने अपनी पत्नी को पास बुलाने का इशारा किया। पत्नी अपने पति के पास गई। पति ने भरी हुई आंखों से उसे कहा, तुम्हें पता है ना, तुम हमेशा मेरे साथ रही हो, मेरे हर दुख के समय तुम मेरे पास थी। जब मुझे नौकरी से निकाला गया तो उस समय तुम मेरे साथ थी। जब मेरा कारोबार डूब गया तब भी तुम साथ थी। जब हमारा घर नीलाम हुआ तब भी तुम साथ थी। फिर अब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी यह हालत हो गई है, तब भी तुम मेरे साथ ही थी। अब बस मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, क्योंकि शायद तुम्हारे जाने से मेरा अच्छा समय आ जाए। संडे के दिन एक पति अगर देर तक सोए तो बीवी, अब उठ भी जाओ, तुम्हारे जैसा भी कोई है क्या? छुट्टी है तो इसका क्या मतलब? यह नहीं कि सोते रहोगे। पति अगर जल्दी उठ जाए तो बीवी, पिछले जन्म में मुर्गा थे क्या? ठीक 4:30 बजे उठकर कुकरू कु करने लगते हो, इतना जल्दी उठकर क्या पहाड़ तोड़ लाओगे? तीसरा, पति अगर संडे को घर पर ही रहे तो बीवी, कुछ काम भी कर लिया करो, हफ्ते भर बात देखते हैं तुम्हारे संडे की, उसे भी तुम केवल नहाने धोने में ही लगा देते हो। चौथा, पति अगर संडे के दिन घर से देर तक बाहर रहे काम के सिलसिले में तो बीवी, कहाँ थे तुम आज पूरा, आज संडे है, कभी मुँह से भगवान का नाम भी ले लिया करो। पांचवा, पति अगर संडे को पूजा करे तो बीवी, ये टल्ली बजाते रहने से कुछ नहीं होने वाला, अगर ऐसा होता तो इस दुनिया के कई
इस दुनिया के रईसों में टाटा या बिल गेट्स का नाम नहीं होता, बल्कि किसी पुजारी का नाम आता। छठा, अगर टाटा या बिल गेट्स जैसा बनने के लिए पति दिन रात मेहनत करे तो बीबी हर वक्त काम काम काम, तुम्हें अपने ऑफिस के साथ फेरे ले लेने चाहिए थे। हम क्या यहाँ पर बंधुआ मजदूर हैं जो सारा दिन काम करे और शाम को तुम्हारा इंतजार करे। सातवां, पति अगर पत्नी को घुमाने ले जाए तो बीबी हमारे बीच वाले जीजा जी तो दीदी को हर महीने घुमाने ले जाते हैं, और वो भी स्विट्जरलैंड और दार्जिलिंग जैसी जगहों पर, तुम्हारी तरह हरिद्वार नहाने नहीं जाते। आठवां, पति अगर बेखौफ होकर नैनीताल, मंसूरी, गोवा, माउंट आबू, ऊटी जैसी जगहों पर घूमने ले भी जाए तो बीबी अपना घर ही सबसे अच्छा, बेकार ही पैसे लुटाते फिरते हो, इधर उधर बंजारों की तरह घूमते फिरो, क्या रखा है घूमने में? इतना पैसा अगर घर पर रहते तो पूरे 2 साल के लिए कपड़े खरीद सकते थे। शादी के बाद पत्नी कैसे बदलती है जरा गौर कीजिए। पहले साल मैंने कहा जी खाना खा लीजिए, आपने काफी देर से कुछ नहीं खाया। दूसरे साल जी खाना तैयार है लगा दो। तीसरे साल खाना बन चुका है, जब खाना हो तब बता देना। चौथे साल खाना बनाकर रख दिया है, मैं बाजार जा रही हूँ, खुद ही निकाल कर खा लेना। पांचवे साल मैं कहती हूँ आज मुझसे खाना नहीं बनेगा, होटल से ले आओ। छठे साल जब देखो खाना 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 खाना, अभी सुबह ही तो खाया था। दोस्तों जोक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे।